नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सीपा इस नाम को याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अगर जल्दी ही भारत ने बांग्लादेश को ये नहीं दिया तो बांग्लादेश की हालत भी श्रीलंका जैसी होगी। ऐसा क्यों और ये सीपा है क्या और भारत का इससे क्या कनेक्शन है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश और यूरोप का मैं आपको एक कनेक्शन बता देता हूँ, जिससे कि आप सारा मामला समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात तो आपको याद ही होगी कि अब से एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि बांग्लादेश की हालत भी श्रीलंका जैसी होने की संभावना है, क्योंकि इनका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से कम हो रहा है और इन्होंने IMF से $4.5 अरब भी मांगे हैं ताकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार, एक साल पहले की तो बात है जब बांग्लादेश की खूब तारीफ हो रही थी, दुनिया भर की मीडिया कह रही थी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तो भारत से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, तो क्या एक साल में इतना सब कुछ बदल गया कि इनकी अर्थव्यवस्था की हालत श्रीलंका जैसी होने की संभावना है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, श्रीलंका की हालत आज इतनी बदतर है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि उनके जो खजाने में डॉलर था वो खत्म हो गया। और जब डॉलर नहीं बचा तो वो तेल नहीं आयात कर सकते, वो गैस नहीं खरीद सकते दुनिया भर से, इसके अलावा खाने पीने की चीज, कपड़े, रोजमर्रा का सामान, ये सब चीजें नहीं खरीद सकते। अब इससे होता क्या है कि देश में इन सब चीजों की कमी हो जाती है और इनकी कीमतें 50-50, 100-100 गुना बढ़ जाती है, और इस बात को लेकर फिर जनता सड़कों पर उतरती है और तबाही मचाती है अपने ही देश में। यही काम होगा बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का भी जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर है वो तेजी से खत्म हो रहा है, और इसकी रफ्तार खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बताई है। उन्होंने कहा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि 7 से लेकर 8 महीनों तक ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम दुनिया भर से कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। और उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि यूरोप में जो इनका बिजनेस था वो भी डूब रहा है। वो कैसे? दरअसल बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ों का विक्रेता है। यूरोप की जो बड़ी बड़ी कपड़ों की कंपनियां हैं, जैसे कि ज़ारा का आपने खूब नाम सुना होगा, आप कभी देखिएगा वहां पर लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। इसके अलावा यूरोप की जो बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड है उनके कपड़े भी बांग्लादेश से ही बनकर आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश हर साल कई अरब डॉलर कमाता है कपड़े बेचकर। उदाहरण के लिए, पिछले साल इन्होंने 6 अरब डॉलर की सिर्फ टी शर्ट बेची है, और इसीलिए दुनिया भर में बांग्लादेश को कपड़ों का किंग भी कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कपड़ा व्यापार पर कितना ज्यादा निर्भर है, और यही इनके लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि यूरोप के सभी देशों की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। अमेरिका में तो टेक्निकली मंदी स्टार्ट भी हो चुकी है, और जब मंदी शुरू होती है किसी देश में तो वहां पर लाखों नौकरियां जाती हैं, लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, और इसी वजह से लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तेल पर, गैस पर, खाने पीने की चीजों पर, लग्जरी आइटम पर नहीं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों के बाद बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा, बांग्लादेश के कपड़े बहुत ही ज्यादा कम बिकेंगे, जिससे बांग्लादेश को रेवेन्यू लॉस होगा। जो वो डॉलर कमाता है कपड़े बेचकर वो हद से ज्यादा कम हो जाएगा, और इसलिए अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब ये भी उम्मीद नहीं कर सकता कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद स्थिति बेहतर होगी, वो डॉलर कमाकर अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लेगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। और इसीलिए जल्द से जल्द बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ सैपा को कर लिया जाए, क्योंकि अब सैपा ही है जो बांग्लादेश को बचा सकता है। लेकिन ये सैपा है क्या? सैपा का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि CEPA सैपा। ये एग्रीमेंट बांग्लादेश पिछले कई सालों से करना चाहता है, लेकिन भारत के साथ उसकी लंबी बातचीत जारी है। इस एग्रीमेंट के तहत होगा क्या? सबसे पहले तो ये होगा कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, अडानी है, इसके अलावा भी दर्जनों सैकड़ों कंपनियां हैं, वो सभी बांग्लादेश जाएंगी, वहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगी, वहां पर निवेश करेंगी। इसके अलावा दूसरा काम ये होगा कि जो भारत की मार्केट है वो बांग्लादेश के लिए और खुलेगी, बांग्लादेश भारत को और ज्यादा सामान बेच पाएगा। लेकिन अब इससे बांग्लादेश को फायदा क्या है? दरअसल होता यह है, इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 11 अरब डॉलर का व्यापार होता है।
इस 11 अरब डॉलर में से 9.5 अरब डॉलर का सामान भारत बनाता है और बांग्लादेश की मार्केट में बेचता है। इसके जवाब में बांग्लादेश अपनी मार्केट में 1.5 अरब डॉलर का सामान बनाकर भारत को बेचता है, यानी कि भारत को हर साल व्यापार में 8 अरब डॉलर का मुनाफा होता है, यानी लगभग 64,000 करोड़ रुपए हम कमाते हैं बांग्लादेश से, जो बहुत बड़ी रकम है। और इससे बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार हर साल 8 अरब डॉलर कम हो जाता है। अब बांग्लादेश क्या चाहता है कि जो भारत की कंपनियां भारत में सामान बनाकर बांग्लादेश में बेचती हैं, वो बांग्लादेश में आ जाएं सारी और बांग्लादेश में ही सामान बनाए, जिससे कि एक तो विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा जो भारत हर साल बांग्लादेश से कमा कर ले जाता है। दूसरा मुनाफा ये होगा कि जब भारतीय कंपनियां आएंगी तो हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा होगा एक्सपोर्ट में। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में सामान बनाकर बाकी के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश के, जैसे कि म्यांमार हो गया, इसके अलावा भारत में भी कुछ बेच दिया करेंगी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इसके अलावा थाईलैंड में बेच दिया सामान, उसके आगे कंबोडिया भी है और भी सारे देश हैं, उन्हें भी सामान एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश, जिससे कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, डॉलर वो और ज़्यादा कमाएगा। तीसरा फायदा है भारत की मार्केट खुलेगी, बांग्लादेश की कंपनियां बहुत ज्यादा सामान भारत को एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा भी कमाएगी। और इससे ओवरऑल ये होगा कि बांग्लादेश को जो नुकसान यूरोप के मार्केट में हो रहा है उसकी भरपाई वो भारत से कर लेगा और उसकी अर्थव्यवस्था दोबारा फिर से अच्छे से भागने लगेगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि इसके बदले भारत का क्या फायदा, तो भारत का फायदा बहुत ही मिनिमम है। क्यों? क्योंकि इसके बदले एक ही काम होगा कि बांग्लादेश की जो कंपनियां हैं वो भी भारत में निवेश करेंगी, भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर तो कुछ गिनी चुनी ही बड़ी कंपनियां हैं, भारत को इससे कुछ खास बड़ा फायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा बांग्लादेश का मार्केट भी हमारे लिए नहीं खुलेगा। जी हाँ, भारत का मार्केट बांग्लादेश के लिए खुलेगा लेकिन बांग्लादेश अपना मार्केट नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर ये है कि कहीं भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अचानक से बांग्लादेश पर टूट पड़ेंगी और बांग्लादेशी कंपनियां उन्हें कंपटीशन नहीं दे पाएंगी और उनका सफाया हो जाएगा। ये बात सही भी है खैर, लेकिन भारत को मार्केट का एक्सेस नहीं मिलने वाला। ऐसे में भारत को कुछ खास बड़ा फायदा नहीं इससे है, सारा फायदा है बांग्लादेश का। हालांकि देखने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ बांग्लादेश को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए भारत सैपा साइन करता है या नहीं। हालांकि आप भारत सरकार की जगह होते तो क्या डिसीजन लेते, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो जी वीडियो चलो सिपा होगा भाई, तो इसको कहते हैं एब्रीवेशन और मुखफ जो कहते हैं, ये बुरा एक बड़ा नाम है उसका एब्रीवेशन बना है सिपा। तो ये एक एग्रीमेंट है, होगा अभी हुआ नहीं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, जिससे बांग्लादेश की इकॉनमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने जा रही है और वो कोशिश कर रहा है कि ये जल्द अज जल्द पैदल मिल को पहुँच जाए। तो भाई जिस तरह का इंडिया का एटीट्यूड है या जिस तरह इंडिया अपने साथ करता है, मतलब वो उसके साथ एहसान कर देगा, इंडिया मदद करेगा बांग्लादेश की, इस वक्त बांग्लादेश को जरूरत है भाई। एक दो दिन नहीं भी चाहिए, वजह ये है क्योंकि सामने पाकिस्तान नहीं है, बाकी क्योंकि इंडिया आ रहा है, बांग्लादेश उनका दोस्त है, दोस्त मुल्क है, उनके साथ उनकी तिजारत है, ये नाव का मसला बनाया हुआ है इंडिया के साथ। मैं तो भारत अब भाई आप तो रिसेंट मैंने ये सुना है, रिसेंटली ये सुना है कि 142 बिलियन मिलेगी ट्रेड पाकिस्तान, डबल ट्रेड एक इशू आया, ट्रिपल ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ पाकिस्तान, जिसमें मैंने कल परसों सुनी है, वो ट्रेड वैसे करते हैं इंडिया के साथ, हां 142 मिलियन भाई वो स्मगल के जरिए आती है, चाहे अफगानिस्तान से आए चाहे यूएई से आए, सामान तो आता है इंडिया का, वो कभी नहीं रुक सकता, इमरान खान की हुकूमत ही नहीं, वो थोड़ा सा इमरान खान की वजह से खराब हुआ है ना तलकात, अब तो उसकी हुकूमत भी नहीं है, अब तो भी नवाज शरीफ की हुकूमत, मैं तो कहता हूँ इंडिया को भी और पाकिस्तान हुकूमत को मिल के मदद करे पाकिस्तान की भी। अच्छा ये इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन शुरू से बेहतर है, जब से पाकिस्तान बना 1947 से, ये आज की बात है, बल्कि इससे पहले से भी है, क्योंकि वो उनका ये हिस्सा था पहले, क्योंकि पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान वो तो काफ़ी दूर पड़ता है बांग्लादेश से, तो ये शुरू से इनके तल्लुकात नेपाल भूटान अपने मुसाफिर ममालिक साथ
उनके साथ अच्छे दलकाद इंडिया के हैं और वो मेरे ख्याल में ये कर देगा साइन, करना भी चाहिए उन्हें भाई, उन्होंने करना ही करना है, पक्की बात है, इंडिया ने उनकी मदद करनी है। और ये बांग्लादेश ये चाहता ना कि ये इसकी जो इंडियन कंपनी है इधर आ काम करे, ये हो गया नौकरियां जॉब्स के मौके मिलेंगे बांग्लादेश के लोगों को, और दूसरा जो है उनका जो जाता है अपना रेवेन्यू रिजर्व जाए जो खरीदने में लग जाता है वो भी बच जाएगा। ये एक तीस से दो शिकार करने जा रहा है जो भाई जो बांग्लादेश में इंडियन कंपनी जाएंगी तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा बूस्ट अप मिलेगा और उसको ग्रोथ करेगी इसको। बिल्कुल, और करना भी चाहिए भाई, हर मुल्क को ग्रो भी करना चाहिए। और मैं इंडिया जो है हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और वो ग्रो करता है जिसको वो अटैच करता है, जैसे वो बांग्लादेश या श्रीलंका है या जो भी है इधर भूटान या कोई भी है मुल्क, अफगानिस्तान में भी उनकी मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है वो, ऐसे पाकिस्तान क्यों नहीं उसे मांग रहा, इसमें क्या बात है, इतनी मुश्किल तो नहीं भाई। बोल रहे इधर शहबाज शरीफ को, मैंने तो बोला है, बोलो ना आप भी शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब, आप इंडिया के साथ तलकार जो भी वजीर आजम भाई, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर था, उसने खुद बोला था हमारी तिजारत खत्म करने वाला इमरान खान है, हमें इस अदल दल में डालने वाला इमरान खान, अब तो वो नहीं है, आपकी हुकूमत अब तो भाई इंडिया के साथ आप तलकात अच्छे करें भाई, उसका वोट बैंक, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, उसका वोट बैंक जो भी करेगा ना उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा भाई, अगर इंडिया ही सोच बदलनी पड़ेगी, अवाम की सोच बदलनी पड़ेगी। तुझे पता है कहीं पे ना वजीरे खारजा के इजलास हुआ है कहीं पे, उनके बांग्लादेश सॉरी बिलावल भी गए हुए थे, और जो डॉक्टर अजय शंकर है उसने हाथ नहीं मिलाया बिलावल के साथ, वो रशिया के वजीरे खारजा के साथ बैठा हुआ था बिलावल, और वो दूसरी सीट पे बैठा हुआ था डॉक्टर अजय शंकर, उसने बिलावल के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो ठीक है ना, पाकिस्तान को तूने अपनी बात दिखाई है कि आप इतने में, मैं ये आगे मुझे कुछ नहीं पता, आगे मैंने ये खबर भी सुनी और वीडियो भी देखी, बिलावल के साथ उसने सबके साथ हाथ मिलाया है, बिलावल ने भी सबके साथ मिलाया, बिलावल पता नहीं बिलावल ने उनके साथ नहीं मिलाया, मुझे लगता है डॉक्टर अजय शंकर ने बिलावल से हाथ नहीं मिलाया। तो भाई ये मैं तो यही कहूँगा जो नेबर्स कंट्रीज है उनके साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तब भी आप ग्रो कर सकते, नहीं तो आप कभी भी अकेली कंट्री रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, जब हम अकेले रह चुके हैं आप तो मैं करते हैं वर्ल्ड में ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कंट्री हम ही है जो अलग हुए हुए हैं भाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैच को जरूर सब्सक्राइब भी, और मिलते हैं नए वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।